देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहू लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें। लू लगे व्यक्ति की हालत में अगर एक घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपाड़ के विद्यार्थियों ने लगातार दूसरी बार अंग्रेजी माध्यम के रूप में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम के साथ परचम लहराया। विद्यालय के प्रधानाचार्य फर्नीस कुमार विजय ने बताया कि सत्र 2023-24 में पचपाड़ स्कूल के अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित होने के बाद कक्षा 10वीं बोर्ड का यह दूसरा बैच है जिसने 100% परीक्षा परिणाम देकर विद्यालय परिवार व नगर को गौरवान्वित किया है। इस परीक्षा परिणाम में 7 विद्यार्थी 90+% अंकों के साथ उत्तीर्ण रहे। इस परीक्षा में कुल 30 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 26 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए एवं 4 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। विद्यालय में प्रथम स्थान पर भविष्य खुराना पिता अनिल खुराना 96.83% अंकों के साथ तथा द्वितीय स्थान पर लक्षित मेहर पिता राधेश्याम मेहर 94% अंकों के साथ एवं दीक्षा सोनी पिता सत्यनारायण सोनी 93.83% अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रही। प्रधानाचार्य फर्नीस कुमार विजय ने इस श्रेष्ठ परिणाम के लिए विद्यालय के सभी होनहार छात्रों एवं समस्त विद्वान स्टाफ साथियों को बधाई दी। BPN News संवाददाता की सोच।